यानी के टीचिंग ऑफ हिंदी, उसमें अध्ययन करेंगे हम आज अपनी इस वीडियो में उच्चारण और वर्तनी की शिक्षा, यानी के जो उच्चारण और वर्तनी होती है उसकी शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। सो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है शुद्ध उच्चारण और उसके या उसका महत्व, यानी कि हम शब्दों का या वाक्यों का किस प्रकार से शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे कि उच्चारण संबंधी बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसीलिए आज हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत इसी पर चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से कई समान बोलियों के प्रतिनिधि बोली को भी भाषा और समस्त समान विभाषाओं की प्रतिनिधि विभाषा को भाषा कहते हैं। इसको कहते हैं, यानी कि जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से, यानी कि जो हमारा भाषा विज्ञान है उसके अकॉर्डिंग समान बोलियों की जो प्रतिनिधि है, यानी कि समान बोलियों को जो बोलता है, बोली को विभाषा और समस्त समान विभाषाओं को प्रतिनिधि विभाषा को भाषा कहते हैं। भाषा के इस रूप को शिक्षित एवं शिष्ट व्यक्ति प्रयोग करते हैं, यानी कि जो भाषा का यह रूप है उसको जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि सभी पढ़े लिखे व्यक्ति सभ्य होते हैं, कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति भी यानी कि असभ्यता की बातें करते रहते हैं, लेकिन सभी अनपढ़ व्यक्ति भी असभ्य या शिष्ट नहीं हो सकते, कुछ बिना पढ़े लिखे व्यक्ति भी बहुत सभ्य होते हैं, बहुत अच्छे से वार्तालाप करते हैं, उनकी जो उच्चारण संबंधी जो बातें हैं वह भी बहुत शुद्ध होती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक भाषा का अपना ध्वनि तत्व होता है, यानी कि कोई भी भाषा हो उसका जो है अपना एक ध्वनि तत्व होता है जिसमें भिन्न भिन्न ध्वनियों के लिए भिन्न भिन्न अक्षर अथवा अक्षर समूह होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की ध्वनियां होती हैं, अलग अलग प्रकार के जो अक्षर होते हैं, अक्षरों के समूह होते हैं, उन सभी में यानी कि वो सभी अक्षर समूह अलग अलग प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं। हिंदी भाषा का ध्वनि तत्व को बड़ा ही वैज्ञानिक है, यानी कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसका जो ध्वनि तत्व है वह वैज्ञानिक है। इसमें प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए एक निश्चित अक्षर है, यानी कि इसके अंदर जितने भी ध्वनियां हैं उनके लिए एक मूल अक्षर है। शब्दों में हिंदी भाषा में प्रत्येक अक्षर का उच्चारण निश्चित है, यानी कि हम अगर शब्दों की बात करते हैं तो उनमें जो हिंदी भाषा का उच्चारण होता है वह निश्चित प्रकार का होता है। इतना ही नहीं अपितु दो या दो से अधिक अक्षरों से बनने वाले शब्दों के उच्चारण के भी अपने नियम होते हैं, यानी कि क्या है, एक या एक से अधिक जो शब्द बनते हैं, शब्दों के समूह बनते हैं, उनके भी अपने नियम होते हैं। ये नहीं कि हमने कोई सा भी शब्द कहीं पे उठाया और लगा दिया, ऐसा नहीं है, हम उन सभी शब्दों को या वाक्य को एक नियमबद्ध तरीके से ही लिखते या बोलते हैं। इन अक्षरों का अपने नियत स्थान से सही रूप में उच्चारण करने और इन अक्षरों से बने शब्दों का नियमानुसार उच्चारण करने को ही शुद्ध उच्चारण कहा जाता है, यानी कि जो उच्चार शब्द या अक्षर होते हैं उनको नियमानुसार
की रक्षा के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उसका शुद्ध उच्चारण। यानी कि अगर हमारा जो भाषा का स्वरूप है उसकी मान्यता रखनी है या उसको सर्वमान्य रूप देना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? भाषा का शुद्ध उच्चारण। यानी कि अगर हम वर्णों को शब्दों को गलत बोलेंगे तो उनमें बहुत सारी अशुद्धियां हो जाएगी। इसीलिए हमें जब भी कभी वार्तालाप करनी हो या कुछ लिखना हो तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम भाषा का शुद्ध उच्चारण कर सके। उच्चारण के अभाव में किसी भाषा का कोई निश्चित रूप नहीं होता। यानी कि हम अगर ये कह दें कि किसी भाषा में उच्चारण का प्रभाव है और उसका निश्चित रूप है, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका कोई सर्वमान्य रूप नहीं हो सकता और वह अपने प्रयोजन में खरी नहीं उतर सकती। यानी कि जो भाषा है उसका कोई भी रूप प्रयोजन नहीं होगा, यानी कि उसे कहीं से प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाएगा और वह अपने आप में ही किसी भी चीज में खरी या नहीं उतर सकती। कभी कभी तो शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करने से उनका अर्थ ही बदल जाता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते जिससे कि उनका अर्थ बदल जाता है, उनका मायने ही कुछ और हो जाता है। हम कह कुछ रहे हैं लेकिन सामने वाला समझ कुछ और रहा है। इसीलिए हमें सही उच्चारण करना चाहिए। जैसे सकल के स्थान पर सक उच्चारण करने से पूर्ण के स्थान पर अंश का बोध होना, यानी कि पूर्ण के स्थान पर अंश का बोध हो जाता है। सकल के स्थान पर सक, ये देख लीजिए इसमें क्या है, बोले एक साथ जा रहे हैं लेकिन उच्चारण के उसमें गलतियां है। जैसे कि सुवर ही है, एक सुवर हम उसको कहते हैं जो कि गले में मिलते रहते हैं और एक सुवर यानी कि सुंदर पति, छोटी सी गलती है, बोला एक जा रहा है लेकिन इनके उच्चारण में थोड़ा थोड़ा सा भेद है। शुद्ध उच्चारण मौखिक मात्रा के बोलते कौशल का आवश्यक तत्व होता है। यानी कि जो शुद्ध उच्चारण होता है वह जो हम मौखिक भाषा बोलते हैं उसका एक आवश्यक कौशल होता है। सामान्य वार्तालाप से लेकर बड़े बड़े मंचों पर भाषण देने तक शुद्ध उच्चारण का अपना महत्व होता है। यानी कि हम छोटी सी सभा कर ले या बड़े बड़े समारोह में भाषण दे ले, यानी कि हम मौखिक उच्चारण करते हैं, मौखिक भाषण देते हैं तो उनमें उच्चारण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर हम किसी सभा में गलत वर्णों का उच्चारण करने लगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे दंगा फसाद भी हो सकती है। इसीलिए हमें सोच समझकर सही वाक्यों का यानी कि शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। इसके अभाव में मौखिक भाषा प्रभावहीन होती है। यानी कि जो हमारी मौखिक भाषा है वह प्रभावहीन हो जाएगी। किसी में अगर हम शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे, हमारी जो बोले जाने वाली भाषा है उसका पर यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। उसका श्रोता पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अशुद्ध उच्चारण में करण के लिए होता है और न अर्थपूर्ण। कभी कभी तो श्रोता अशुद्ध उच्चारण सुनते सुनते उब जाते हैं। यानी कि अगर हम कहीं सभा में कहीं किसी समुदाय में गलत उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, वहां के जो लोग है वह हमारी बातें सुनकर ही उब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, वहां उठकर चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें भाषा का शुद्ध रूप ही बोलना चाहिए, न कि अशुद्ध रूप। शुद्ध उच्चारण शिक्षित व्यक्ति की पहली पहचान होती है। क्या कहते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बाद भी अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसको क्या कहेंगे, अनपढ़ ही कहेंगे, पढ़ा लिखा नहीं कहेंगे। इसीलिए जो शुद्ध उच्चारण होता है वह व्यक्ति की पहचान होती है। अशुद्ध उच्चारण करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं। इतना ही नहीं, अभी तो शिक्षित समाज में अशुद्ध उच्चारण करने वाले व्यक्ति उपहास के
पात्र बनते हैं। क्या होता है, उनकी मजाक बनाई जाती है। जो व्यक्ति शिक्षित होने के साथ साथ भी अशुद्ध उच्चारण करते हैं, किसी वाक्य को गलत बोलते हैं, तो उन लोगों की जो बराबर में लोग खड़े होते हैं वह उनकी मजाक बनाते हैं, उनका उपहास करते हैं। जब कोई शिक्षक कक्षा में विषय और विद्यार्थी के रूप में उच्चारण करता है तो छात्र उस पर हंसे बिना नहीं रह सकते। इसीलिए एक शिक्षक को भी यह चाहिए कि वह जो शब्दों का वाक्यों का शुद्ध रूप है उसी का प्रयोग करे, यानी कि बोलते समय शब्दों में गलतियां न करे, यानी कि शुद्ध उच्चारण करे। भाषा के लिखित रूप की रक्षा के लिए विशुद्ध उच्चारण अति आवश्यक होता है, यानी कि हमारा जो भाषा का लिखित रूप है, हम किसी चीज को लिख रहे हैं तो उसके लिए भी उच्चारण का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण लिखित भाषा के पठन पोषण और लेखन पोषण दोनों का आवश्यक तत्व होता है, यानी कि हमारा जो लेखन कौशल है और पठन कौशल है, लेखन कौशल यानी कि लिखने की जो टेक्निक है स्किल है, और पठन कौशल पढ़ने की जो स्किल है, रीडिंग की स्किल है, राइटिंग की स्किल है, उनमें भी शुद्ध उच्चारण का महत्वपूर्ण भाग होता है। उच्चारण का प्रभाव लेखन कौशल पर भी पड़ता है, ये नहीं कि हमारे बोलने पर उच्चारण का प्रभाव पड़ता है, नहीं, लिखने पर भी उच्चारण का प्रभाव पड़ता है। लिखने में भी छोटे शायर को बड़ा शायर लिख देते हैं, बड़े शायर को छोटा शायर लिख देते हैं, छटाव की मात्रा की जगह घटाव की मात्रा आ जाती है, बड़ाव की मात्रा की जगह छटाव की मात्रा आ जाती है। जो आधा नया होता है वह कभी अंकी बिंदी में यूज होता है, कभी अक्षरों के बीच में यूज होता है, इस प्रकार की बहुत सारे गलतियां होती रहती है। हम जैसा मौखिक रूप में सोचते हुए बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, फिर हिंदी भाषा तो उच्चारण प्रधान भाषा है, यानी कि हमारी जो भाषा है हिंदी वह उच्चारण प्रधान भाषा है। इसीलिए हमें लिखते और बोलते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें हम अशुद्धियां न करें। जैसा उच्चारण किया जाता है ठीक वैसा ही लिखा जाता है, क्योंकि सामने वाला जैसा बोलेगा, अगर मैं स्कूल को स्कूल बोलूं तो लिखने वाले क्या लिखेंगे, उसको स्कूल ही लिख पाएंगे। अगर हम किसी शब्द का उच्चारण अशुद्ध करते हैं तो फिर उसे लिखते भी अशुद्ध ही है। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी शब्दों को बोले तो उनका जो उच्चारण है वह सही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही उच्चारण करेंगे तो सामने वाला उसे सही ही लिख पाएगा। अगर हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो सामने वाला भी उन वाक्यों को गलत ही लिखेगा। जैसे मात्रा के स्थान पर मात्र लिख देते, लिखने से केवल के स्थान पर मात्रा का बोध होता है, यानी कि हम मात्र के स्थान पर मात्र लिख देते हैं, हमने लिखा मात्र, अब इसके स्थान पर हम मात्र लिख देते हैं, इसमें क्या होता है, यह केवल का बोध करता है और यह मां का बोध करता है। बात यह की है मात्र, लेकिन अगर हम इसको उच्चारण ही गलत बोलेंगे तो लिखेंगे भी गलत, यानी कि वह लिखा भी गलत जाएगा। अब इसका जो मतलब बैठता है, मात्र का मतलब केवल, और इसका मात्र का यानी कि माता या मां, यही तो होगा। अब बोलने की तो बात है, यानी कि शुद्ध अशुद्ध उच्चारण की तो बात है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है, इनका जो अर्थ है अलग हो जाता है। इसीलिए हमें यह विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी चीज को बोलते समय या लिखते समय उसे सही रूप से लिखें या सही रूप से
बोले।